बहादुरगढ़ में अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसने के लिए डीटीपी विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। डीटीपी विभाग ने अवैध कॉलोनियों के खसरा नंबर तहसीलदार को सौंपी है और प्लाटों की रजिस्ट्री नहीं करने के लिए आदेश जारी किए हैं। इतना ही नहीं, डीटीपी विभाग ने अवैध कॉलोनी काटने वाले किसानों और प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है और आम लोगों को भी अवैध कॉलोनियों में प्लाट नहीं खरीदने के लिए चेतावनी भी दी। डीटीपी विभाग अधिकारियों ने अवैध कॉलोनियों में प्लाट खरीदने वाले लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। बुधवार को विभाग के अधिकारी बहादुरगढ़ के झज्जर रोड पर काटी जा रही एक अवैध कॉलोनी की साइट पर पहुंचे और जेसीबी मशीन की मदद से अवैध कॉलोनी में गलियां बनाने के लिए डाली गई मिट्टी को उखाड़ कर इधर उधर फेंक दिया। इतना ही नहीं, मौके पर बहादुरगढ़ के एसडीएम तरुण पावरिया भी पहुंचे और अधिकारियों को अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। वहीं डीटीपी विभाग के एटीपी सोमबीर का कहना है कि बहादुरगढ़ में अवैध कॉलोनियां फलने फूलने नहीं दी जाएंगी। अवैध कॉलोनी काटने वाले किसानों प्रॉपर्टी डीलरों के साथ साथ अवैध कॉलोनियों में प्रॉपर्टी खरीदने वाले आम लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बहादुरगढ़ की अवैध कॉलोनी में सर्वसाधारण को सूचित करने के लिए एक बोर्ड भी लगवाया और तहसीलदार को अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री नहीं करने के भी आदेश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन हरियाणा। ये अवैध कॉलोनी है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, इसके तोड़फोड़ कर रहे हैं कॉलोनी की। इसमें कोई भी यदि प्लाट लेगा तो इसमें कैसे कार्रवाई अमल में आएगी? किस ये रोड नेटवर्क को डिमोलिश कर रहे हैं, बाकी एफआईआर पहले भेज रखी है इसकी। अवैध कॉलोनी है और इसमें तोड़फोड़ की जा रही है, ये बोर्ड लगा दिया गया है, इसमें कोई प्लाट ना खरीदे और यदि खरीदेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई आती है इसमें सजा का भी प्रावधान है, एफआईआर हमने पहले ही भेज रखी है और अब इनका रोड नेटवर्क डिमोलिश कर रहे हैं और यदि फिर भी नहीं माने तो दोबारा फिर एफआईआर की जाएगी।